हेलो स्टूडेंट्स, अभी पिछले वीडियो में हमने फाउल के पोल्ट्री कीपिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको फाउल के हैबिटेट के बारे में बताया, उनकी ब्रीड्स के बारे में बताया, उनके फूड के बारे में बताया और उनको हमें किस तरह से उनका सिलेक्शन करना चाहिए, ब्रीडिंग हमें किस तरह से करवानी चाहिए, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि फाउल के अंदर प्रजनन करवाने की या ब्रीडिंग करवाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो प्रजनन करवाने के मेनली दो तरीके हैं, एक तो इन लाइन ब्रीडिंग और दूसरा आउट इन ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में एक दूसरे से बहुत अधिक समानता रखने वाले किस्मों के मध्य हमें इन ब्रीडिंग कराई जाती है। ये जीन पूल में होमोजाइगस जो जीन्स होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि करता है, लेकिन इसके परिणाम जो है हमें अच्छे नहीं मिलते हैं। लेकिन यदि हमें एक ही जैसे लक्षण को प्रबल करना है तो हम इस तरह की ब्रीडिंग को काम में लेते हैं। दूसरी तरह की ब्रीडिंग है लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग में हम दूर से संबंध रखने वाले जो प्राणी हैं उनके बीच में, उन सदस्यों के बीच में ब्रीडिंग जो है वो करवाई जाती है। दूसरी तरह की ब्रीडिंग है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो यहाँ पर बिल्कुल अलग तरह की जो नस्लें होती हैं उनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। तो इस क्योंकि ये क्रॉस ब्रीडिंग होती है, इस वजह से इनको हाइब्रिड वेराइटीज़ हमें इसी तरह से पाई जाती हैं, जिसको कि हम हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर भी कह सकते हैं। तो इनका जो चयन होता है संतति में, दोनों श्रेष्ठ जो पेरेंट्स होते हैं, सेलेक्टिव हम मेल्स और फीमेल्स लेते हैं, उनमें लक्षण अच्छे होने की वजह से उनको एक्टिव बनाते हैं, तो इसके लिए जो है क्रॉस ब्रीडिंग काम में ली जाती है। मीन्स अलग अलग वैरायटी के मेल्स और फीमेल्स को यहाँ पर काम में लाया जाता है, जिससे कि उनसे मुर्गों की जो नस्लें हैं, जो रेसेस हैं, उनमें उन रेसेस में सुधार किया जा सके और जो त्रुटिपूर्ण चीज़ें हैं या अनचाही जो चीज़ें हैं उन जीन्स से यहाँ पर छुटकारा पाया जा सकता है। तो मुर्गों में प्रजनन करवाने की कई सारी विधियाँ हैं, जैसे कि कुछ जो मेल होते हैं उनको, कुछ मेल्स को और कुछ फीमेल्स को एक साथ बाड़े में छोड़ दिया जाता है, तो इस तरह की ब्रीडिंग को हम रैंडम ब्रीडिंग कहते हैं। दूसरी में एक मेल के साथ में कई फीमेल्स की जो मैटिंग है उसको सुनिश्चित किया जाता है, इसको हम पेयर मैटिंग कहा जाता है। स्टेड मैटिंग में हर एक मेल की जो ब्रीडिंग है हर अलग फीमेल से करवाई जाती है। मीन्स एक मेल और एक फीमेल की जब ब्रीडिंग होती है तब उसको हम स्टेड मैटिंग बोलते हैं। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करवाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर इच्छित गुणों वाले जो स्पर्म्स होते हैं उनको कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियली फीमेल के शरीर में एंटर करवा के उनके अंदर उनका गर्भधारण करवाया जाता है। तो ये मैंने बताया कि जो ब्रीडिंग है वो दो तरह की हो सकती है, एक तो इन ब्रीडिंग और दूसरे क्रॉस ब्रीडिंग। जो इन ब्रीडिंग है वो फिर दो तरह की होती है, एक तो होमोजाइगस होती है ब्रीडिंग और दूसरी है लाइन ब्रीडिंग। होमोजाइगस जो पास के रिश्तेदार होते हैं, जो पास वाले होते हैं उनमें, और लाइन ब्रीडिंग जो दूर के रिश्ते में आते हैं उनको हम उनमें लाइन ब्रीडिंग की जाती है। तो रैंडम ब्रीडिंग, स्टेड ब्रीडिंग, पेन ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल सेमिनेशन जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग के अंतर्गत आते हैं। नाउ पोल्ट्री रियरिंग की टेक्निक्स, मीन्स यदि आप पोल्ट्री कीपिंग करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो सबसे पहले ध्यान रखने, पोल्ट्री पक्षियों की देखरेख एवं इनके प्रबंधीकरण को ही पालन पोषण या रियरिंग कहते हैं। तो पोल्ट्री रियरिंग टेक्निक, सबसे पहले जो सिलेक्शन ऑफ एग्स किस तरह का करना चाहिए, स्वस्थ चूजे की प्राप्ति और उनके अंडों का जो चुनाव है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि हमें उनसे स्वस्थ चूजे पाए जा सकें। तो इसलिए सबसे पहले ऐसे अंडों का चुना जाना चाहिए जो फर्टाइल हो, आकार में ना तो बहुत छोटा हो ना बहुत बड़ा हो, और सामान्य आकार का हो, जो कि ताज़ा ही दिया गया हुआ हो। तो गहरे भूरे रंग के जो कवच वाले एग्स होते हैं वो हल्के रंग के कवच वाले एग्स की तुलना में शीघ्रता से चूजे उत्पन्न करते हैं। तो यूजुअली ताज़ा एग हम किसको मानते हैं, जो गर्मियों में हम 2 से 3 दिन पुराने एग्स को काम में ले सकते हैं, जबकि हम सर्दियों में 7 से 10 दिन के पुराने एग्स जो होते हैं उनको काम में ले सकते हैं।
इंक्यूबेशन एंड हैचिंग। एग्स के अंदर लगभग 21 दिनों के बाद में किसी मुर्गी के एग्स से जो चूजे हैं वो बाहर निकलते हैं। इनके एग्स के भीतर के ही इनके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के विभिन्न चरण इनके संपन्न होते हैं। इस दौरान अंडों को उचित तापक्रम, ह्यूमिडिटी और एनवायरमेंटल कंडीशंस की आवश्यकता होती है, जिससे ऊष्मायन या इनक्यूबेशन की क्रिया के द्वारा मादा के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम नेचुरल इनक्यूबेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो इनक्यूबेशन है वो है आर्टिफिशियल इनक्यूबेशन, जिसमें ये आर्टिफिशियल इनक्यूबेशन जो है इनक्यूबेटर के अंदर किया जाता है, जिसमें कि 37 से 38 डिग्री तक का टेम्परेचर हम सेट कर देते हैं, वहाँ पर पानी रख देते हैं, हवा रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, और उनको और वहीं पर ही वो उनका विकास होता है। तो ऊष्मायन के फलस्वरूप ही अंडों से चूजे जो हैं विकसित होते हैं। तो इनक्यूबेशन दो तरह से हो सकता है, मींस एक तो नेचुरल इनक्यूबेशन भी हो सकता है और दूसरा आर्टिफिशियल इनक्यूबेशन जो कि इनक्यूबेटर के अंदर होता है वो हो सकता है। नाउ देखभाल, रियरिंग ऑफ चिकन्स, किस तरह से चिकन्स की देखभाल करनी होती है। अंडों से हैचिंग के बाद में जो चूजे बाहर निकलते हैं, चिकन्स बाहर निकलते हैं, इनके मैनेजमेंट को हम किस तरह से हमें करना है। तो सबसे पहले जो हैचिंग के 36 घंटों तक हमें चूज़ों को नहीं छेड़ना होता है, 36 घंटों के बाद ही चूज़ों को मादा के साथ साथ पुराने घोंसलों से हटा करके नए घोंसलों के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है। दूसरा जो है, मादा को जो खाने हेतु काफ़ी पौष्टिक या न्यूट्रिटिव सामग्री उपलब्ध करवानी चाहिए, जिससे कि ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि चूजों को भी प्रति दो घंटे के बाद में भोजन की प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक। चूजों को 3 दिन के चूजों के लिए दूध दिया जा सकता है, ब्रेड दी जा सकती है, गेहूं के दाने और छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो दिए जा सकते हैं। 45 दिन के होने तक चूजों को एक दिन में कम से कम 6 बार भोजन देना चाहिए, और इस खाद्य इसके लिए पोल्ट्री पाउडर भी काम में लिया जा सकता है। 45 दिनों के बाद में उनको अधपका मांस दे सकते हैं, कच्चा प्याज दे सकते हैं, गेहूं के बने हुए डिशेस जो हैं वो दे सकते हैं, और एकांतरिक अब मतलब और कभी कभी इन्हें कैचियों और दीमकों का भी भोजन दे देना चाहिए। नेक्स्ट 3 महीने होने के बाद में इन्हें ऑयल केक्स वगैरह दिया जा सकता है। बहुत अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करने से मुर्गियों को रोकना चाहिए। पीने के लिए फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी, स्वच्छ जल जो है वो उनको देना चाहिए। पानी के अंदर कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट की डाल देनी चाहिए, जिससे कि उस इन्फेक्शन इत्यादि से या किसी भी तरह के संक्रमण से मुक्ति दिलवाई जा सके। सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, इनके पिंजरे, शरीर, घोंसले इत्यादि की सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। 6 माह के हो जाने के बाद में इन्हें दिन में 3 बार अनाज के दाने, हरी सब्जियाँ और तरल फूड इनको देना चाहिए। मुर्गी के द्वारा दिए गए अंडों के एक समूह को क्लच कहते हैं। मुर्गी के द्वारा दिए गए अंडों के घोंसले से हटा देने पर इनके अंडे देने की जो प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। अंडे देने के बाद में मुर्गियों में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, जो इनके अंदर मातृत्व व्यवहार को बढ़ाता है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एग्स, ये आप लोगों को याद कर लेना है। एग्स के अंदर प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम मात्रा में, नगण्य मात्रा में मिलता है। एल्ब्यूमिन इसमें पाया जाता है। एग्स एल्ब्यूमिन का कहना, एल्ब्यूमिन जो है वो इसके अंदर प्रोटीन का मुख्य सोर्स होता है। इसके अलावा अमीनो एसिड्स जो हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। थ्रियोनिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है एंड फिनाइल एनिन्स जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। विटामिन्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, खनिज जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन जो है ये आप लोगों को याद करना है एग्स का। नाउ डिजीजेस, ये आप लोगों को ज़रूर याद कर लेनी है कि इसके पोल्ट्री डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं। तो पोल्ट्री डिजीजेस मेनली 3 डिजीजेज हैं। एक तो रानीखेत है, दूसरा स्पायरोकीटोसिस है और तीसरा एपोलैक्सी है। रानीखेत जो है ये मुर्गियों का बहुत सामान्य से रोग है। इसमें मुर्गियों को ज्वर आ जाता है, बुखार हो जाता है, डायरिया की शिकायत होती है, इनकी चोंच खुली रहती है, इनका म्यूकस सीक्रेशन होता रहता है, इनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और ये रोग के अधिक उग्र होने पर ये पंखों को लकवा भी इनके लग जाता है और गोल गोल ये फिर घूमने की प्रवृत्ति इनके अंदर विकसित हो जाती है।
दूसरा है इससे फिर संक्रमण फैलने का भी डर रहता है। दूसरा स्पाइरोकीटोसिस, ये जो बीमारी है टिक्स की वजह से होती है। टिक्स रात्रि के समय में मुर्गियों का रक्त चूसती हैं और दिन में कहीं अन्यत्र चली जाती हैं। इससे बचाव के लिए ही जो मुर्गियां हैं उनके जो घर हैं ज़्यादातर धातु के द्वारा के बनाए जाते हैं। एपोलेक्सी, ये रोग अधिक भोजन ग्रहण करने की वजह से होता है जिससे पेचिश व अतिसार जैसे रोग हो जाते हैं। इसके अलावा मुर्गियों में सामान्य जुकाम, ठंड, चिकन पॉक्स और कॉलेरा इत्यादि भी पाए जा सकते हैं, जो कि यदि ऐसी बीमारियां मुर्गियों को हो जाती हैं तो अपने फार्म हाउस की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि उनको ख़त्म कर दिया जाए। थैंक यू, आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।